हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और आज का जो सेशन है वो आपके लिए पूरे साल आपके काम आने वाला है, साल भर के लिए यूजफुल है। 2020 की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपका करंट अफेयर्स आना होता है उसके लिए यूज़फुल रहेगा, आपके पूरे 2020 में वर्क करेगा। और सबसे अच्छी बात है कि ब्रांड एम्बेसडर आज हम देखने वाले हैं, और ना सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर, इस पर तीन अलग अलग वीडियो बनाए जा सकते थे, योजनाओं के ब्रांड एम्बेसडर और राज्यों के ब्रांड एम्बेसडर और बहुत सारे ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर्स अलग अलग बनाए जा सकते थे, लेकिन सब कुछ बहुत ही कम समय में इंक्लूड कर दिया है मैंने आज इस एक वीडियो में, ताकि आपका थोड़ा सा समय बचे और आप यूज़फुल नोट्स प्रिपेयर कर पाएँ एक ही जगह से। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन फिर बिना टाइम वेस्ट किए। वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, आपको जिनके ब्रांड एम्बेसडर ऑलरेडी पता होंगे उनको छोड़ दीजिएगा, जो नहीं पता है उनको चाहे आप अभी लर्न कर लीजिए, नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। इसके पहले रिक्वेस्ट कर देते हैं छोटी सी, जब वीडियो पसंद आ जाएगा तो लाइक कर दीजिएगा सभी लोग प्लीज़। अभी देखेंगे नेक्स्ट स्टार्टिंग से हमारा फर्स्ट, भारत में ला लीला के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है रोहित शर्मा। जो जो इम्पॉर्टेंट रहेगा कि जिसको आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है उसको मैं मार्क करती जाऊंगी, उसको आप याद करते चलिएगा, उसको मिस नहीं करिएगा। पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में सलमान खान जी हैं। भारत के पहले प्लॉगिंग एम्बेसडर, पहले वर्ड जहाँ जहाँ आएगा उसको मार्क करते चलिएगा, याद करते चलिएगा, रिपुदमन बेवली। भारत के पहले प्लॉगिंग एम्बेसडर रिपुदमन बेवली, क्योंकि आगे चल के ये क्या है, ये जीके में भी अब इंक्लूड हो जाएगा, मतलब ठीक है, क्योंकि पहले वाले जितने क्वेश्चन भारत के पहले, विश्व के पहले, ये आपके आगे चल के जीके बन जाता है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी जी। स्वदेशी लोगों के लिए यूनेस्को सद्भावना दूत, ये इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी लोगों के लिए यूनेस्को सद्भावना दूत वर्तमान में है यालिजा अपारिसियो। इनका नाम थोड़ा सा अजीब है बट याद कर लीजिए, काम आ सकता है। अब आते हैं हम कौशल भारत अभियान पर, तो वरुण धवन और अनुष्का शर्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर में, सभी को आई थिंक पता होगा, सुई धागा मूवी आई थी उस टाइम पे ये बनाए गए थे। सड़क सुरक्षा अभियान और स्वच्छ भारत मिशन, अक्षय कुमार इस दोनों के ही ब्रांड एम्बेसडर है, दोनों ही योजनाओं के। डिजिटल इंडिया, अंकित फाडिया जो है इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। मेक इन इंडिया पीरूज खंबत्ता, ठीक है, पीरूज खंबत्ता मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, याद रखना है आपको। फिट इंडिया अभियान सोनू सूद, तो फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हो गए सोनू सूद। वर्लपूल, सबको पता है फ्रिज वगैरह आती है इनकी। कृति सैनन एंड सुशांत सिंह जो है वो इनके, सुशांत सिंह राजपूत, वो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं दोनों ही। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट, पल्स पोलियो मुठूत फाइनेंस ग्रुप जो है आपका, वो दोनों की ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, आई थिंक ये सबको पता होगा, बहुत सारे एड्स आते हैं इसके। एजुकेट गर्ल्स, एजुकेट गर्ल्स या स्मार्टफोन वन प्लस, इन दोनों की ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन जी ही हैं। तो कहीं ना कहीं बालिका शिक्षा वाली जो चीज़ है, पल्स पोलियो अभियान है, मुठूत फाइनेंस ग्रुप जो है, स्मार्टफोन वन प्लस, इन चारों के ही ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। तेलुगु टाइगर्स, इसके हैं ब्रांड एम्बेसडर राणा दग्गुबती, ठीक है, दग्गुबती सॉरी। असम राज्य पर्यटन, राज्य पर्यटन इस चीज़ों को याद करते चलिएगा, प्रियंका चोपड़ा इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं, और असम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर खेल के उसमें हिमा दास जी हैं, हिमा दास बहुत फेमस नेम है वर्तमान समय में। भारत की लक्ष्मी पहल का एम्बेसडर कौन है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु जो हैं इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं भारत की लक्ष्मी पहल। मोबिल इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर बजरंग पूनिया हैं। इसके बाद देख लेते हैं भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी वीजा, इसके ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। मध्य प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं गोविंदा जी। यूपीआई पेमेंट ऐप भारत पे, ठीक है, भारत पे शायद आप लोग यूज़ भी करते हो, इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान जी अगेन। संयुक्त राष्ट्र, अब यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ वो सब इम्पॉर्टेंट रहेगा, एक ये आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत दिया मिर्जा हैं। जितने भी आपके पर्यावरण से रिलेटेड आए ना उसको आप मार्क करते चलिए, क्योंकि टीचिंग्स के एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्ट थोड़े पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, तो वो कई मल्टीपल सब्जेक्ट्स में इंक्लूड हो जाती हैं इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेड बस का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, तो सुपर टेट के लिए इसको याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का है क्योंकि ये, हेमा मालिनी जी इसकी ब्रांड एम्बेसडर है गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, याद रखना है। फैंटेसी इलेवन के ब्रांड एम्बेसडर हैं मुरली कार्तिक, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गुडविल एम्बेसडर हैं पद्मा लक्ष्मी जी। चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं।
सबसे युवा यूनिसेफ गुडविल अम्बेसडर मिली बॉबी ब्राउन, तो सबसे युवा के कैटेगरी में आ जाते हैं कि अभी तक इनसे कोई युवा गुडविल एम्बेसडर नहीं बना है यूनिसेफ का, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद करने लायक हो जाता है, मिली बॉबी ब्राउन। यूनिसेफ इंडिया का युवा एम्बेसडर हिमा दास, यूनिसेफ याद रखना है। 2019 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप मैरी कॉम, सबको मुक्केबाजी का नाम आ जाएगा तो आपको पता ही है मैरी कॉम है। नोकिया इंडिया आलिया भट्ट हैं, नेपाल टूरिज्म जया प्रदा, BSNL ट्राइब्स इंडिया मैरी कॉम, तो इसमें BSNL का तो बहुत चांस कम रहता है, टीचिंग एग्जाम में कम रहता है चांस की पूछे, ट्राइब्स इंडिया का थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, मैरी कॉम है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा अभी और भी क्वेश्चंस हैं, और भी है सेशन, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने ये हमारा दूसरा चैनल जो है एग्जाम डोज क्लासेस, तो वहाँ पे भी चल रही हैं, आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करिए, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, नया है एकदम, मेहनत कर रहे हैं इस पर, तो थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट करिए और जाके सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा उसका। कहते वक्त बहुत ऑड लगता है कि सब्सक्राइब करिए जाके, लेकिन कहेंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे कि एक नया चैनल भी है। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य, इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं जॉन अब्राहम, केरला आयुर्वेद स्टेफी ग्राफ, हरियाणा स्वास्थ्य कार्यक्रम गौरी सोरान, हरियाणा योग और आयुर्वेद योग गुरु बाबा रामदेव, योग का नाम आ जाता है तो बहुत ईजी हो जाएगा ये याद करना, तेलंगाना राज्य जो है सानिया मिर्जा और महेश बाबू, दोनों ही इसके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। ठीक है, चलिए अब और देखते हैं थोड़ा सा। सिक्किम राज्य, सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान है, पिछले साल भी ये चीज़ मैंने पढ़ाई थी तो अभी चेंज नहीं हुए हैं। फ्लिपकार्ट रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर दोनों ही इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो बिल्कुल आप इनकी पिक्स वगैरह देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट्स में, ईजी होगा याद करने के लिए। GST, अब ये आपको याद रखना है, ये याद रखने वाली चीज़ है, GST के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन, GST का फुल फॉर्म सबको पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोएब अख्तर। ठीक है, लुब्रिकेंट इंडिया हिंदुजा ग्रुप, हार्दिक पांड्या इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं लुब्रिकेंट इंडिया के। चलिए देखेंगे आगे, अब यहाँ पे कुछ अभियान हैं जो कि ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट हैं। अतुल्य भारत अभियान, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके जो हैं क्या है ब्रांड एम्बेसडर हैं अतुल्य भारत अभियान के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माधुरी दीक्षित जी हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है साक्षी मलिक। तो देखिए यहीं पे आप तीन एक ही योजनाओं को तीन ब्रांड एम्बेसडर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर सिंपली पूछता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो माधुरी दीक्षित हो गया, इन केस ऑप्शन में माधुरी दीक्षित नहीं दिया है तब इनमें से किसी एक का नाम दिया रहेगा तो वो हो जाएगा। अब अगर बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा सरकार द्वारा जो चलाया गया उसमें क्या है, कौन ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक जी को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तेलंगाना सरकार द्वारा रकुल प्रीत सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यहाँ पे एक ही योजना के जो है तीन ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको बस थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे दरवाज़ा बंद अभियान, तो दरवाज़ा बंद अभियान पूछा भी जा चुका है एग्ज़ाम में अगर आपको याद होगा, जिन लोगों ने प्रीवियस एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया होगा। अमिताभ बच्चन जी है इसके ब्रांड एम्बेसडर, अनुष्का शर्मा भी हैं। ठीक है, याद रखना है दोनों ही हैं, ज़्यादा फेमस हालांकि वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह में अमिताभ बच्चन जी आते हैं, वो सॉन्ग वगैरह आता है तो याद रहता है चीज़ें। कॉमनवेल्थ यूथ एम्बेसडर कौन है इस समय, प्रिंस हैरी। वीवो इंडिया फ़ोन पे, तो वीवो इंडिया आपको पता है मोबाइल ब्रांड है और फ़ोन पे जो है एक UPI है ऐप है, आमिर खान दोनों के ही जो हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पहला वर्ड लग गया है, जहाँ पे भी पहला लगेगा इम्पॉर्टेंट है। उबर, ठीक है, इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा, विराट कोहली होगा, नहीं है ही, ठीक है, विराट कोहली हो गए। T20 मुंबई लीग सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर है इस टीम के। स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत, काजोल इसकी ब्रांड एम्बेसडर है स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत। मास्टर कार्ड के पहले भारतीय एम्बेसडर इरफान खान है मास्टर कार्ड के। स्वच्छ आंध्र मिशन PV सिंधु इसकी, एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं, कोशिश करेंगे थोड़ा और फास्ट करेंगे। PV सिंधु इसके ब्रांड एम्बेसडर है। स्वच्छता ही सेवा बिलाल डार। स्वच्छ भारत अभियान और हेपेटाइटिस बी उन्मूलन अमिताभ बच्चन। भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना दूत दिया मिर्जा।
भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट की भी ब्रांड एम्बेसडर दिया मुर्जा, ये याद करिएगा, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट, ठीक है, ये आपके कहीं ना कहीं ईवीएस का भी एक पार्ट बन जाता है, इसको याद रखना है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट भारत भारत का जो है दिया मिर्जा। ओके देख लेंगे, और थोड़ा सा हम, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा और है। संयुक्त राज्य पर्यावरण के लिए वैश्विक संभावना दूत कौन है? तो एली गोल्डिंग, अब याद रखिएगा, इसमें संयुक्त राष्ट्र राज्य पर्यावरण के लिए वैश्विक सद्भावना यहाँ पूछा है, तो एली गोल्डिंग है। और यहाँ पे भारत के लिए पर्यावरण सद्भावना दूत पूछा था तो दिया मिर्जा थे, तो इसको में कंफ्यूज नहीं होना है, विश्व के लिए एली गोल्डिंग होगी, वैश्विक सद्भावना दिवस दिवस नहीं, आई मीन दूत, सॉरी। यूनिसेफ स्किल इंडिया अभियान प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। माँ अभियान माधुरी दीक्षित, माँ अभियान याद कर लीजिएगा माधुरी दीक्षित। पंजाब नेशनल बैंक जो है पीएनबी, विराट कोहली। ओके थोड़े से और हैं देख लेंगे। डाबर त्वचा देखभाल ब्रांड है, आपकी स्किन केयर ब्रांड है महिलाओं के लिए, कृति सैनन इसकी जो है ब्रांड एम्बेसडर। रेनॉल्ट इंडिया रणवीर कपूर, फ्रूट जूस एप्पी फिज सलमान खान। ऑनलाइन दवा कंपनी नेटमेट्स इस समय चली हुई है, महेंद्र सिंह धोनी इसके हैं। ओके स्नेकर्स चॉकलेट इस समय बहुत पॉपुलर चॉकलेट है ये बच्चों के बीच में, महेंद्र सिंह धोनी इसके जो हैं ब्रांड एम्बेसडर है। डीडी किसान चैनल ये इंपॉर्टेंट है याद करिएगा, अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इंटेक्स माधुरी दीक्षित हैं, और मेक माई ट्रिप आलिया भट्ट और रणबीर सिंह हैं। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था, कोशिश की है बहुत कम समय में सब कुछ कवर करने की और बिल्कुल टू द पॉइंट बताने की, और ये वीडियो आपके साल भर काम में आने वाला है क्योंकि पूरे 2020 में यही जो है करंट अफेयर पूछे जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो यस, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आया तो, अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, तो ये आपकी छोटी सी हेल्प हो जाएगी। ऑल्सो हमारा दूसरा चैनल जाकर चेक कर लीजिएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।